latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाला नाम सांसद बना। वो नाम कोई और नहीं बल्कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। जी हाँ, बात करें तो माना जा रहा है कि जब से चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बने हैं, वो मायावती और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाएंगे और चुनौती बनकर खड़े होंगे। अब एक बयान से अखिलेश यादव के लिए माना जा रहा है कि नई चुनौती बन रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। जी हाँ, बात करें तो जेल में बंद पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान को लेकर भले ही उनकी पार्टी मुखर न रही हो, पर अब अन्य दलों के साथ उन्हें मिलने लगा है। अब भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उनके समर्थन में उतर आए हैं। उनके इस बयान से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए नई चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव के पुराने साथी रहे चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़म खान का जिक्र कर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। उन्होंने कहा कि जो वंचित वर्ग के नेता हैं, जिस तरह से वो जुल्म सह रहे हैं, आज़म खान जैसे सीनियर नेता हैं, वो जेलों में पड़े हैं, उन्हें जेलों में ठूस दिया गया है, या कुछ लोग इस दुनिया में नहीं हैं, ये इस बात का उदाहरण है कि सत्ता तानाशाही के साथ काम कर रही है। बताइए बीजेपी की हार की वजह। नगीना सांसद ने कहा कि ये लोकतंत्र अच्छा नहीं है, इसका बहुत गलत संदेश जाता है, इस वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा। दरअसल यह पहला मौका है जब चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़म खान के लिए आवाज़ उठाई है। उनके इस बयान ने एक और नई चर्चा को जन्म दे दिया है और फिर से आज़म खान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है। बता दें कि बीते साल आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में रामपुर की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया था। तब कोर्ट ने आज़म खान, अब्दुल्ला खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर तीनों को सीधे जेल भेज दिया गया था। एमपीएमएल मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की कोर्ट ने दो जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के मामले में आज़म खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आज़म की दोषी ठहराया था और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई थी। ज्ञात हो कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर स्वार क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आज़म को 2008 के एक मामले में दोषी ठहराते हुए गत फरवरी में मुरादाबाद की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। और अब जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण जिस तरीके से आवाज़ उठाया है, उसको लेकर क्या आपको लग रहा है? प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।